हाय गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया था, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे होता है CITS एंट्रेंस के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न। जो लोग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, MMTM का है, वो लोग ये पेपर देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। और हमारा जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, जो पिछले साल 2018 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उसके उसके पास से हम लोगों को मिला है ये पेपर। तो उसके हिसाब से हम लोग ये PDF बनाया है, तो इसको हम यूट्यूब में डालेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो जो हमारा होगा 3 पार्ट में होगा। और हम पहले बोलते हैं कि हाँ, जो एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन में, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है। और आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 75 नंबर होता है आपका टेक्निकल, और 25 नंबर होता है आपका मैथ रीजनिंग। और 75 नंबर टेक्निकल का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, ये जो 75 नंबर टेक्निकल है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, जो जो कि हमारे ये फर्स्ट पार्ट है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो का जो PDF लिंक है, ये PDF आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज्ड शुड बी। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल आता है CITS एंट्रेंस में, बहुत खूब ज़्यादा टफ नहीं रहता है। तो आपको 75 टेक्निकल में से आपको लगभग 60 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इजी रहता है, और 15 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इजी जो क्वेश्चन है वो सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये आप जो वीडियो है, आप पिछले साल का कोई एंट्रेंस दिया है उसको आप दिखा सकते कि वो बोल सकते कि ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल का ही है, एकदम जेन्युइन, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज्ड शुड बी। कास्ट आयरन के लिए, जैसे हम जानते हैं, कोई भी कूलेंट नहीं यूज़ होता है, तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ड्राई एयर। तो आपको चारों ही ऑप्शन है। वीडियो छोटा करने के लिए हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उतना नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई कार्बन स्टील हैज़ टू बी फोर्ज्ड, व्हिच कलर इंडिकेट्स द मोस्ट सुइटेबल फोर्जिंग टेम्परेचर। हाई कार्बन स्टील को हम अगर फोर्ज करते हैं तो मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर उसका क्या, सुइटेबल टेम्परेचर उसका क्या होता है, कौन सा कलर होता है? तो उसका जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो। ठीक है, जो ब्लू आपका है, डार्क ब्लू, वो आपका हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉज फॉर ग्लेजिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग होने का कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में रहे, ग्रेन साइज इज़ टू फाइन, ऑप्शन बी में है, व्हील इज़ हार्ड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन डी का जो आंसर है, ए एंड बी बोथ। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो इनमें से कौन सा एब्रेसिव जो है आपका आर्टिफिशियल नहीं है? ठीक है, कॉर्नम, MRE, डायमंड, ये सभी जो है आपका क्या है, आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव में नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये ऑल ऑफ दिस आंसर हो गया। द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में हम क्या करते हैं, एंगल मापते, तो उसका लिस्ट काउंट क्या हो गया मेरा, हमारा 5 मिनट। और अगर हमको बोलता था ओनली विवेल प्रोटेक्टर, तो उसमें क्या हो जाता था हमारा, 1 डिग्री। ठीक है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में हमारा ट्विस्ट ड्रिल जो यूज़ करते हैं उसका पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। स्काइबर इज मेड ऑफ, स्काइबर जो हमारा होता है, हम लाइन खींचने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो कौन सी धातु से बना होता है, वो होता है हाई कार्बन स्टील से। फिर
8 नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सी पार्ट में हमारा मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड रहता है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बीम। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द बोन टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन इन द ग्राइंडिंग व्हील इज डिपेंडेड ऑन द। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन को जो होल्ड करने के लिए किस में डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ बॉन्ड, तो वो जो हो जाएगा हमारा आंसर ग्रेड। लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ बेड हमारा किस में बनता है? कास्ट आयरन से। द फेस प्लेट इज यूज फॉर टर्निंग, टर्निंग हम जब कर रहे हैं तो फेस प्लेट क्यों इस्तेमाल कर रहा है? इरेगुलर शेप्ड जॉब्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेगुलर जॉब के लिए। इन मिलिंग मशीन फीड इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच द वर्क इज फेड टू द रिवॉल्विंग कटर, व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ फीड रेट इन मिलिंग। मिलिंग मशीन का फीड रेट ये मांग रहा है, तो मिलिंग मशीन का फीड रेट हो जाएगा मिलीमीटर पर मिनट। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, 1 inch इज इक्वल टू हाउ मेनी mm, तो 1 inch में हमारा कितना mm होता है? 1 inch में हमारा होता है 25.4 होता है, ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन में रहता है 1 inch में कितना सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसमें हमारा 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। व्हाट इज़ द कॉज फॉर ग्लेजिंग व्हील, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बिकमिंग ग्लेज्ड इन ए ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील का ग्लेजिंग हो जाने का कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील स्पीड इज टू हाई एंड वर्क स्पीड इज टू लो। हमारा व्हील स्पीड इज टू हाई और वर्क स्पीड टू लो, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड सॉलिड प्लेन मैंड्रेल इज जनरली मेड ऑफ टूल स्टील हार्डन एंड ग्राउंड विथ ए टेपर ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड प्लेन मैंड्रेल का जो हमारा टेपर रहता है उसका रेशियो मांगा है, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2000। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, द एंगल इज एंगल ऑफ IS थ्रेड वी शेप्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वी शेप्ड का एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन, थ्रेड रिंगेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग, हमारा जो थ्रेड रिंगेज होता है वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो वो हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, क्योंकि रिंग है तो रिंग गेज हम थ्रेड रिंग गेज बोला है, तो हमारा क्या होगा एक्सटर्नल थ्रेड के लिए ही होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, ए फिलर गेज इज यूज्ड फॉर, फिलर गेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, अगर दोनों पार्ट्स मैच हुआ है तो उसका बीच में जो गैप रहता है वो गैप हम चेक करने के लिए पतला पतला मेटल का जो हमारा होता है फिलर गेज, उसको उससे हम चेक करते हैं गैप को। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, तो सबसे हल्का धातु क्या है? तो हल्का धातु हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो उसमें अगर क्वेश्चन रहता है व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल, तो भारी धातु क्या हो जाता था हमारा इधर में लेड हो जाता था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट है उसका डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 का आंसर, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स द ग्रेडेस ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई नंबर एंड देयर आर, हमारा जो ग्रेड कितना नंबर का टॉलरेंस का ग्रेड होता है 18 ग्रेडेस ऑफ टॉलरेंस होता है। फिर हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आता है, गो साइड प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल, गो साइड प्लग गेज में हमारा प्लग गेज में दोनों साइड होता है गो नो गो, तो गो में हमारा होता है मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल पॉइंट इन बोरिंग ऑपरेशन विल रिजल्ट इन ए चेंज इन द डायमीटर इक्वल टू, 1.5 mm हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, टूल पोस्ट ऑफ ए प्लानिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, प्लानिंग मशीन का जो टूल पोस्ट होता है उसको किस पे माउंट होता है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा क्लैपर बॉक्स। फिर 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, एक्मी थ्रेड का एंगल हो जाता है 29 डिग्री। तो दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन आज का पहला एपिसोड पहला पार्ट का, तो ये तीनों पार्ट में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना,
और शेयर कर देना। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत छोटा सा चैनल है, हम लोग भी सोचते हैं कि यूट्यूब में बहुत कुछ डाले, बहुत कुछ शेयर करें आप लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन हम लोगों का चैनल ग्रो नहीं होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, वीडियो नहीं डालते। तो अगर सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाएगा, आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लोग को भी खुशी होगा, व्यूज़ आएगा, तब क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग डालने के लिए हम लोग का मोटिवेशन जगेगा। और दोस्तों पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा फुल, अगर ये 25 क्वेश्चन का भी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।